हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक दिन के तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। पूरे दिन की ये डाइट हेल्दी भी है, बैलेंस्ड भी है और टेस्टी भी है। इन डिशेस को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है और इन मील्स से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, पूरा दिन एनर्जेटिक फील करना चाहते हो, तो ये फुल डे डाइट आपके लिए बेस्ट है। हर डिश को बनाने वक्त मैं उसकी प्रिसाइज क्वांटिटीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको बताऊंगी और इनके अल्टरनेटिव्स भी दूंगी, ताकि बाकी के दिन भी आप अपने लिए इसी तरह के मील्स बना सकें। और एंड में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करके कैसे खाया जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिए। और अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहें तो मेरे प्रोग्राम आई एम वाओ का बेनिफिट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके आप मेरी टीम के साथ इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे हेल्दी ओट मील। इस सिंपल सी रेसिपी के लिए आपको पहले एक पैन में 150 ml यानी कि एक कप के अराउंड लो फैट नट, जिसे हम टोन्ड मिल्क भी कहते हैं, उसे गर्म करना है। फिर इसमें 30-40 ग्राम यानी कि 5 से 6 टेबलस्पून रोल्ड ओट्स को ऐड करना है। ओट्स फाइबर में रिच होते हैं, जिसकी वजह से ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ओट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं और ये गुड क्वालिटी कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जिसे खाने से हम अच्छे से फुल फील करते हैं और ये वेट लूज करने में भी हमारी मदद करते हैं। अब हम इसमें एक पिंच सिनेमन ऐड कर सकते हैं, जिससे ना ही सिर्फ एक बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा, बल्कि सिनेमन से डाइजेशन भी अच्छी होती है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। विद इन अ मिनट ये ओट्स पक जाएंगे और अब हम इसे एक बोल में निकाल सकते हैं। इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और इतने में हम कुछ फ्रूट्स को कट कर लेंगे। अपनी पसंद के 100 से 150 ग्राम तक सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरीज ले रही हूँ, जो कि विटामिन सी में रिच होती हैं। आपको पता है कि ओट्स में आयरन भी होता है और स्ट्रॉबेरीज का विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इसलिए ओट मील में स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट को ऐड करना अच्छा है। इसके बाद मैं एक मीडियम साइज्ड बनाना ले रही हूँ और इसे भी स्लाइस कर लेंगे। बनानाज आर अ गुड सोर्स ऑफ वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पोटेशियम। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वेट लूज करना हो तो बनाना नहीं खा सकते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पोर्शंस पे ध्यान दिया जाए तो किसी भी फ्रूट को आप इंजॉय कर सकते हैं। बस ये फ्रूट्स ओवर राइप्ड यानी कि बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे इनके अंदर का शुगर कॉन्टेंट बढ़ जाता है। सो बनाना लें तो ध्यान दें कि वो एकदम कच्चा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पका हुआ भी ना हो। अब हम एक बड़ा चम्मच प्रोटीन पाउडर लेंगे और इसे ओट्स में ऐड कर लेंगे। मैं जो प्रोटीन यूज़ कर रही हूँ ये प्लांट बेस्ड है और बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाने का। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम इसमें हल्का सा वार्म वाटर मिला लेते हैं। अगर आप प्रोटीन पाउडर ना यूज़ करना चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और इसकी जगह आप ब्रेकफास्ट के साथ एक ग्लास सत्तू वाली छाछ बनाकर ले सकते हो, उससे भी आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। यू नो, बहुत सी स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब हमारा ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होता है तो हम पूरा दिन ओवर ईटिंग नहीं करते और इससे हमें वेट लूज करने में सपोर्ट मिलता है। अब ये सभी फ्रूट्स हमने बोल में ऐड कर लिए हैं। इसके बाद 10 से 15 ग्राम मिक्स्ड सीड्स ऐड करेंगे, जो कि ओमेगा 3 का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं और इससे ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही अच्छा क्रंच भी आ जाता है। और इसी के साथ हमारा प्रोटीन में रिच, सुपर हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को तो आप स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हैं और इसे बनाने में लिटरली 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। इसमें वैरायटी ऐड करने के लिए आप अलग अलग तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इसके अंदर सोक्ड चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसे लाइट रखना हो तो फिर मिल्क की जगह पे आप सिर्फ पानी में भी इसे बना सकते हैं। चलिए अब है लंच की बारी। लंच में हम बनाएंगे एक बुढ़ा बोल।
जिन लोगों को बैलेंस्ड लंच खाना हो, मतलब कि कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, दिखने में टेम्पटिंग भी हो, खाने में टेस्टी भी हो, तो बुद्धा बोल इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली लव। तो एक प्रेशर कुकर में एक कप पानी लेंगे और इसमें एक पिंच नमक की ऐड कर देंगे। 30 से 40 ग्राम यानी कि लगभग 3 टेबलस्पून किनुआ ऐड करेंगे और अब हम इसे 2 विसल्स आने तक के लिए कुक करेंगे। ये जितनी भी क्वांटिटीज मैं बता रही हूँ ये एक पोर्शन यानी कि एक पर्सन के लिए काफ़ी है। आप इसे अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। सो बस अब 2 विसल्स के बाद हम कुकर को साइड में रख देंगे, इसे अभी हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस मल्टी स्नैक पैन। ये पैन बहुत ही काम की चीज़ है, स्पेशली अगर आपके घर में सिर्फ एक या दो लोगों के लिए ही खाना बनता है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसके तीनों सेक्शंस को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक नॉर्मल पैन तो यूज़ कर ही सकते हो। सो पहले हम इस पैन के तीनों सेक्शंस में घी ऐड करेंगे। तो इसके एक सेक्शन में मैं अराउंड 30 ग्राम्स बॉइल्ड छोले डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर छोले मसाला डालकर हम इसे घी में रोस्ट करेंगे। ये अमृतसरी छोले मसाला भी मेरा फेवरेट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब दूसरे सेक्शन में हम ये 150 ग्राम्स यानी कि एक स्मॉल बोल मिक्स्ड वेजिटेबल्स को डालकर सॉटे करेंगे। इसमें बेल पेपर और अनियन है, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इनके ऊपर ज़रा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल लेंगे। अब मैंने ये 40 ग्राम्स पनीर को 2 पीसेस में कट किया है, इसे भी हम साथ में ही ग्रिल कर लेंगे। इसके ऊपर भी ज़रा सा सॉल्ट और चाट मसाला डाल सकते हैं, इससे पनीर का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को एक एक करके भी पैन में कुक कर सकते हैं या फिर इस तरह से एक साथ पका सकते हैं। चने बहुत ही बढ़िया रोस्ट हो रहे हैं और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। वेजिटेबल्स को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सॉटे करना है। पनीर को भी फ्लिप कर लेते हैं, लेट्स सी ये ग्रिल हुआ है कि नहीं। वाओ, इट लुक्स परफेक्टली ग्रिल्ड। अब इसे दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। चलिए इतने में हम किनवा चेक कर लेते हैं। नाइस, ये भी अच्छे से पक चुका है और इसे अब हम सर्व कर लेंगे। नाउ ऑन दिस बेड ऑफ किनवा लेट्स एड घी रोस्टेड छोले, देन सॉटे किए हुए बेल पेपर और अनियन भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और फिर ग्रिल किया हुआ पनीर भी। अब बस एक चीज बाकी है इसमें, इसकी ड्रेसिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में बन जाएगी। 50 ग्राम हम कर्ड लेंगे, थोड़ी सी दही को अगर आप एक छलनी यानी कि स्ट्रेनर के ऊपर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो आपका हंग कर्ड रेडी हो जाएगा। इसमें 1 से 2 बारीक कटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे, फिर एक पिंच नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालकर इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग खुशबू और टेस्ट है इस ड्रेसिंग का। इसे अब हम अपने खाने के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए आप कोरिएंडर यूज कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा डिलीशियस लंच रेडी है। इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज 1 रेसिपी विच यू मस्ट ट्राई। टेस्ट और हेल्थ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ये बुद्धा बोल। इसके वेरिएशंस के लिए आप किनुआ की जगह पे कोई भी और होल ग्रेन या फिर मिलेट ले सकते हैं, जैसे कि राइस, दलिया, बाजरा वगैरह वगैरह। छोले की जगह पर आप कभी राजमा यूज़ कर सकते हैं, कभी काले चने ले सकते हैं, लोबिया भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हो और पनीर की जगह आप टोफू ले सकते हो या फिर सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियंस कैन यूज़ ग्रिल्ड चिकन एज वेल। गाइज, लंच के बाद आप इवनिंग स्नैक में 20 ग्राम्स रोस्टेड मिक्स नट्स लेंगे और इसके साथ 100 ग्राम योगर्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो कोई नट्स को योगर्ट में मिक्स करके
उसकी चाट भी बना सकते हैं, जैसे कि मखाना चाट जो बहुत टेस्टी होती है। इससे आपको पूरे दिन का न्यूट्रिशन कंप्लीट करने में मदद मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिनर की तैयारी, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह के हेल्दी खाने से ही आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं और बहुत से लाइफस्टाइल से जुड़ी मेडिकल इश्यूज़ जैसे कि PCOD, थायराइड, डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं, अग्रेसिव वर्कआउट करते हैं, पर जब तक आपका न्यूट्रिशन सॉर्टेड नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर हज़ारों लोगों को उनके फिटनेस गोल्स पूरा करने में उनकी मदद की है, और सिर्फ एक चीज़ यानी कि उनका न्यूट्रिशन, उनकी डाइट को फिक्स करके। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप भी अपने हेल्थ गोल्स को सिर्फ डाइट की मदद से पूरा कर सकते हो। आप मेरे प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसकी पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिनर। वी आर गोइंग टू कीप द डिनर वेरी सिंपल एंड वेरी हेल्दी, जिसके लिए हम पहले स्टीम्ड राइस रेडी करेंगे। एक पैन में 2 कप पानी लेंगे, जिसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर 30 ग्राम राइस डालेंगे। राइस को मैंने अच्छे से वॉश किया है और 10 मिनट के लिए सोक करके भी रखा था। अब कुछ लोगों को लगता है कि डिनर में राइस, ये तो बिल्कुल गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी पूरा डिनर बनने के बाद मैं इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल आपके साथ शेयर करूंगी और आप देखोगे कि ये पूरा मील कितना वेल बैलेंस्ड है। तो 10 मिनट में ही ये राइस रेडी हो जाएंगे और इतनी देर हम दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में 1 कप पानी लेंगे, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, जरा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे। अब लगभग 30 ग्राम अच्छे से वॉश की हुई येलो मूंग दाल इसमें ऐड करेंगे। सो मूंग दाल बनाने में तो क्विक होती है, इसे डाइजेस्ट करना भी इजी होता है, इसलिए डिनर में अगर आप दाल बनाएं तो मूंग धुली, मूंग छिलका जैसी लाइट दालें ही बनाएं, एज दीज आर इजी ऑन द स्टमक। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करके कुकर को बंद कर लेते हैं और 2 विसल्स आने तक इसे पकाएंगे। इतनी देर हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, फिर इसमें जीरा डालेंगे, साबुत लाल मिर्च लेंगे, चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे, देन चॉप्ड प्याज डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जैसे ही प्याज हल्का हल्का ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और फिर से पकाएंगे। आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, अगर बच्चों के लिए खाना बन रहा है तो मिर्च को स्किप कर दीजिए। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर लेंगे, अब हल्का पकाने के बाद इस तड़के में हम बॉईल की हुई दाल को ऐड कर लेंगे। जैसे ही दाल में बॉईल आएगा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, विच इज ऑप्शनल। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं सो दैट एवरीथिंग कम्स टुगेदर। तो अब एक और क्विक डिश है जो हम इस डिनर में बना रहे हैं, विच इज सोयाबीन मसाला। इसके लिए एक बोल के अंदर 30 ग्राम्स सोयाबीन के चंक्स लेने हैं, इसमें वार्म पानी ऐड करना है और इसे सोक होने के लिए साइड में रख देना है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में घी लेंगे और फिर उसमें जीरा डालेंगे, इसके ऊपर कटा हुआ लहसुन, अदरक, प्याज डालकर इसे पकाएंगे। थोड़ा पकने के बाद फ्रेश कटा हुआ टमाटर ऐड करना है। फिर नमक डालना है और इसके साथ सब्जी मसाला ऐड करना है, इससे इस डिश में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और फिर जरा सा पानी डाल लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो चलिए अब ये सोक किए हुए सोयाबीन चंक्स हम इसमें डाल लेते हैं। इफ यू वांट तो आप ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट में सारा पानी सूख जाएगा और आपका सोया मसाला तैयार हो जाएगा। इतने में हम देखेंगे कि हमारे दाल भी अच्छे से पक गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और राइस भी रेडी है, बहुत ही खिले खिले बने हैं। तो चलिए अब हम खाना सर्व कर लेते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है,
हम हमेशा बात करते हैं पोर्शन कंट्रोल की, बट आखिर कितना पोर्शन हमारे लिए सही है ये कैसे पता चलेगा? तो अभी मैं आपके साथ अपनी प्लेट में प्रॉपर मेजर करके खाना सर्व करूंगी, जिसमें लगभग 430 कैलोरीज होंगी। इतना पोर्शन एक एवरेज इंसान जो वेट लूज करना चाहता हो उसके लिए रिकमेंडेड होता है। इसके बाद आप उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये किचन वेइंग स्केल होता है जो कि इजीली ऑनलाइन मिल जाता है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम पहले एक बोल को इसके ऊपर रखेंगे और ये टेयर का ऑप्शन प्रेस करेंगे ताकि बोल का वेट कैंसिल हो जाए। अब हम इसमें खाना लेना स्टार्ट करेंगे। मैं 100 ग्राम्स राइस सर्व कर रही हूँ। तो ये हो गए 100 ग्राम्स राइस। अब एक और बोल में मैं 200 ml दाल ले रही हूँ। अगर आपकी दाल में लिक्विड ज्यादा है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब एक और बोल में मैं 200 ग्राम्स सोया मसाला ले रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 200 ग्राम सोया मसाला। इसके साथ 100 ग्राम सैलेड भी लेना है। और ये रेडी हो गया हमारा राइटली बैलेंस्ड हेल्दी कंफर्टिंग डिनर मील। इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और ब्लेस्ड फील होता है जब हमें इस तरह का सिंपल होमली खाना खाने को मिले और बिना कॉम्प्रोमाइज किए हमारा वेट भी मेंटेन रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपीज आपको अच्छी लगी होंगी। और क्या आप आगे भी इस तरह के हेल्दी वन डे मील ऑप्शंस देखना चाहोगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।